जो टीवी क्रिकेट की खलनायक की गल आती है तो सब तो पहला शहबाज खान का नाम आता है। शाहबाज खान ने कई टीवी सीरियल्स के खलनायक की भूमिका निभा के इंडस्ट्री के अपनी वक्री पहचान बनाई है। अज ये अदाकार अपना 56वां जन्मदिन मना रहा है। शाहबाज खान को अपने करियर का पहला ब्रेक सीरियल टीपू सुल्तान तो मिलिया सी। इस सीरियल उन्होंने अदाकारी की काफ़ी तारीफ हुई सी। इस तो बाद शाहबाज खान सीरियल चंद्रकांता के कुंवर विक्रम सिंह के किरदार नजर आए सन। इस किरदार ने शाहबाज खान को घर घर पहचान दवाई सी। चंद्रकांता के नाल प्रसिद्धि हासिल करने बाद यह अदाकार बैक टू बैक सीरियल्स में दमदार किरदारों के दिखाई दिते। बहुत घट लोग जानते होंगे कि शाहबाज खान असल में एक संगीतक परिवार के नाल संबंध रखते हैं। दरअसल एक्टर मरहूम उस्ताद आमिर खान के बेटे ने। बहुत छोटी उम्र के शाहबाज खान ने अपने पिता का परछावा गवा दिता। कई साल पहले एक इंटरव्यू शाहबाज ने दसिया कि वह सिर्फ 9 साल के सन जब उन्होंने पिता उस्ताद आमिर खान की सड़क हादसे में मौत हो गई। शाहबाज खान की मां ने उसके पिता के देहांत तो बाद उन्होंने संगीत में करियर बनाने की इजाजत नहीं दी, जिस तो बाद इस अदाकार ने फिल्मों वाल रोक किया। शाहबाज कई फिल्मों के नजर आ चुके हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई के अहम भूमिका निभाई थी। इस अलावा वह अभिनेता सलमान खान के नाल फिल्म वीर के भी नजर आ चुके हैं। हालांकि शाहबाज खान को फिल्मों तो ज़्यादा पहचान ना मिल सकी। फिल्मों के सफलता ना मिलने तो बाद इस अदाकार ने टीवी इंडस्ट्री के अपना सिक्का जमाया। शाहबाज खान ने नागिन, राम सिया के लव कुश, दास्ताने मोहब्बत, सलीम अनारकली, तेनाली राम, संतोषी मां, महाराणा प्रताप, ये रिश्ता क्या कहलाता है वर्गे सीरियल्स तो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी।